जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यूनाइटेड किंगडम के कैपिटल लंदन के शहर में, और एरिया है पिकडिली सर्कस। हमारे साथ हमारे बड़े भाई उस्ताद मोहतरम मुश्ताक मिनाज साहब हैं, जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में वज़ीरे नशरियात और इत्तला नशरियात और टूरिज़म के मिनिस्टर हैं। और जनाब कल हमारा आज़ाद कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट का एग्जीबिशन स्टैंड है लंदन एक्सएल वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में। तो हम जनाब रात की सैर कर रहे हैं कि दिन को बड़ा मुश्किल होता है ट्रैफिक में घूमना। तो मुश्ताक साहब, आपको कैसा लग रहा है पिकडिली सर्कस? लंदन जो है वो एक बड़ा सेंटर है, टूरिज्म का भी सेंटर है और लोगों का पॉलिटिकल भी सेंटर। आपको पता है कॉलोनियल इरा में ये पूरी दुनिया का एक सेंटर था, जब ब्रिटिश राज था पूरी दुनिया के अंदर। वो कहते थे कि बरतानवी जो वो इम्पीरियलिज्म है उसकी किसी भी सरहद में सूरज ग्रूब नहीं होता। तो जाहिर है ये सारी चीज़ें उस दौर की हैं, विक्टोरियन इरा की। यहाँ पर अमारात हैं, ये एक मरकज़ है। किसी ज़माने में यहाँ शायद कोई सर्कस लगी हुआ होती थी जिसमें लोग आके देखते, तो इसलिए शहर इसको ये नाम दिया गया। तो बहरहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। रात के पिछले पहर हम इस वक्त लंदन की स्ट्रीट पे इस वक्त घूम रहे हैं, और दिन का समय आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल आपको ज़िंदगी रवा नज़र आ रही है। लोग जो है वो महसूस कर रहे हैं कि वो जो दिन को नहीं आ सकते वो रात को जो है ना, वो इसको नाइट टूरिज़म भी कहते हैं। तो हम कल वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में जाएंगे, वहाँ पर पूरे पाकिस्तान का एक जो है ना वो स्टैंड है, जिसमें हम पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान भी टूरिज़्म के हवाले से एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है, और अगरचे उसको डेवलप करने की ज़रूरत है लेकिन जो कुदरती मनाजर हैं वो पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं है, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, हम भी हैं, GP हमारा बड़ा खूबसूरत है, हमारा सिंध खूबसूरत है, हमारा पंजाब हरा भरा है, हमारा बलोचिस्तान की कोस्टन और बलोचिस्तान का जो अंदरून है बड़ा खूबसूरत है, सिंध खूबसूरत है, सारा पाकिस्तान ही खूबसूरत है। उसको हम कल दुनिया को भी यहाँ दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत पाकिस्तान हम दुनिया के सामने एक सॉफ्ट इमेज लेके आएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनके ख्यालात का इजहार सुना, और नामालूम कैमरामैन हमारे कैमरे के पीछे हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि यहाँ की जो स्ट्रक्चर है उसको ज़रा दिखाया जाए। ये जनाब टाइम स्क्वायर का जो रिजम्बलेंस है, ये आप आर्किटेक्ट देखें ज़रा, बड़ा मज़े वाला है। तो इसी के साथ हम आपको गा बगा अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।